एवरीवन, आई एम शुची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज किचन। आज मैं लेके आई हूँ फ्रेंड्स आपके लिए राजस्थान का स्पेशल मिठाई घेवर। ये रक्षाबंधन और तीज पे बनाने वाली मिठाई है। ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए कितने अच्छे जालीदार क्रिस्पी हमारे घेवर बन के रेडी हुए हैं। कुछ छोटी हलवाई की टिप्स के साथ, सारी टिप्स के साथ आज मैं आपको घेवर बनाना बताऊंगी। उससे आप इजीली घर में बहुत कम पैसे में घेवर बनाकर रेडी कर सकते हैं। मार्केट में घेवर काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही कम पैसे खर्च करे हुए बहुत सारे घेवर बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे घेवर बन के रेडी हुए हैं। रक्षाबंधन और तीज का त्यौहार आ रहा है, तो आप एक बार घेवर बनाइए, घर पर ट्राई कीजिए। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक्स का या सारी टिप्स को फॉलो करना है। आप आराम से ऐसे जालीदार क्रिस्पी घेवर बनाकर रेडी कर सकते हैं। आइए हम उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं रबड़ी बनाने के लिए दूध रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध। ये ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं एक बार गर्म कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं इसे दोबारा बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर हमको घेवर पे लगाने वाली जो मलाई आती है, जो रबड़ी आती है, वो बनानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। ये देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। आप रबड़ी बना के एक दिन पहले भी रख सकते हैं घेवर बनाने से पहले। ये देखिए इसे ही हम धीरे धीरे बीच बीच में से चलाते जाएंगे, और हमें तब तक इसे बॉयल करना है जब तक ये क्वांटिटी में हाफ ना हो जाए। ये देखिए ये काफ़ी कम हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। जितनी भी साइड में लग जाएगी फ्रेंड्स उसको भी स्क्रेप कर लेंगे, उसको ऐसे निकाल लेंगे। और भी इसकी क्वांटिटी कम हो गई है और हमारी रबड़ी थोड़ी थिक भी हो गई है, और ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी थिक होती है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी, 3 टीस्पून। मैंने ज़्यादा चीनी नहीं डाली है क्योंकि हम घेवर के ऊपर चाशनी भी डालते हैं, उसके बाद हम इसे रबड़ी भी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ 3 चम्मच इसमें चीनी डाली है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसमें और चीनी डाल सकते हैं। अभी ये काफ़ी थिक हो गई है, मैं गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि ठंडा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो हमारी रबड़ी बन के रेडी हो गई है, हम इसको साइड में रख देते हैं। और अब हम घेवर के लिए चाशनी बनाते हैं, शुगर सिरप। उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 1 कप चीनी और 1 कप पानी। आप जितनी चीनी ले रहे हैं वहाँ पर उतना ही हमें पानी डालना है, और इसको मुझे उबालना है। पहले हम इसे चलाएंगे जिससे चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए। हमें 1 तार की चाशनी बनाकर रेडी करनी है फ्रेंड्स, 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी की चाशनी बना के हमें रेडी करनी है। ये देखिए चीनी अच्छे से पानी में घुल गई है, और हम इसे बॉईल कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस आप ऐड कीजिए, 4 to 5 ड्रॉप्स। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जब ये चाशनी आपकी ठंडी होती है तो उसमें क्रिस्टल नहीं बनते हैं। ये देखिए आप 1 तार देख सकते हैं, 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी 1 तार की चाशनी बन के रेडी हो गई है। इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। अभी हम घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो घेवर के लिए हम एक बैटर बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं मिक्सी का ग्राइंडर ले रही हूँ। उसमें मैंने ऐड किया है 4 टीस्पून हम यहाँ पे घी लेंगे। 4 चम्मच घी से आज हम अपने घेवर बनाकर रेडी करेंगे। आप देसी घी यहाँ पे लीजिए फ्रेंड्स, ये मैं घर का बना हुआ देसी घी ले रही हूँ। 4 चम्मच मैंने देसी घी ऐड कर दिया है, और इसमें मैं अब ऐड करूँगी 4 से 5 आइस क्यूब, और इन दोनों को हम चंक कर लेंगे मिक्सी में। मैं पीस लेती हूँ, ये देखिए मैंने पीस लिया है, ये ऐसे दिखने लगेगा, ये देखिए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है 1/2 कप, यहाँ पे हम दूध ऐड करेंगे। दूध भी आपको फ्रेंड चिल्ड लेना है, गरम दूध नहीं डालना है। चिल्ड दूध ऐड कर रहे हैं 1/2 कप। इसको भी मैं फिर से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। आपको एक साथ सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करना है फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे सबको मिक्स करेंगे और ऐसे पीसते जाएंगे। उससे हमारा घेवर का बहुत ही अच्छा बैटर बन के रेडी होता है। ये देखिए कितना स्मूथ सा एक घी रेडी हो गया है। अभी मैं यहाँ पे 1 कप मैदा यूज़ करने वाली हूँ। उससे हम 6 से 7 घेवर बना के रेडी करेंगे, पर हमें सारा 1 कप मैदा एक साथ नहीं डालना है। हम 2 से 3 चम्मच अभी डालेंगे, और इसे मैं पीस लूँगी। ये देखिए कितना स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है, पर आपको ये तब एकदम से सारा 1 कप मैदा नहीं डालना है। धीरे धीरे स्पून में भर के आपको मैदा डालना है। और अभी इसमें हम ऐड करेंगे
ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर आपको रेडी करना है फ्रेंड्स। और हम इसे फिर से मिक्सी में घुमा लेंगे। ऐसे ही आपको बार बार करना है जब तक आपका एक कप मैदा पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। ये देखिए मैं जितना बचा है सारा ऐड कर देती हूँ और पानी और मैंने ऐड कर दिया है। आपको बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ करना है क्योंकि ये बैटर बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। बैटर बहुत ही ठंडा होना चाहिए, घेवर का जो बैटर होता है। ये देखिए अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेसन। ये सब हलवाई की ट्रिक्स हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। इससे बहुत ही अच्छे जालीदार क्रिस्पी हमारे घेवर बनके रेडी होंगे। इसको एक बार और मैं मिक्सी में चंग कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है। इसकी अभी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी थिक लग रही है तो पहले मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और इसमें अभी हम थोड़ा सा और आइस चिल्ड वाटर ऐड करेंगे। बिल्कुल वाटर जैसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए घेवर बनाने के लिए। अभी मैं थोड़ा सा इसमें और ठंडा पानी चिल्ड वाटर हमें ऐड करना है। वाटर जैसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर बाद में आपका घेवर बनाते वक्त आपको लगता है कि आपका बैटर थिक हो गया है तो आप इसमें फिर से ठंडा पानी ही ऐड कीजिए। देखिए कितना पतला हमारा बैटर होना चाहिए और ये ठंडा ही हमें यूज़ करना है। तो जब तक मैं सारे घेवर बना के रेडी करती हूँ ये गर्म ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने एक आइस बोल लिया है, आइस डाल ली है उसमें और उसके ऊपर इसको बोल को रख दिया है जिससे ये बैटर गर्म नहीं होगा। अभी मैं इस टाइप की एक बॉटल ले रही हूँ, उसमें मैं अपना बैटर भर रही हूँ। इससे थोड़ा ईजी रहता है घेवर बनाना। अगर आपके पास इस टाइप की बॉटल नहीं है तो आप कोई भी पेप्सी की बॉटल जो छोटी वाली आती है वो यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें बीच में होल कर लीजिए, उससे क्या होता है सेम कंसिस्टेंसी का बैटर निकलता है जब हम अपना घेवर बना के रेडी करते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं फ्रेंड्स, पर इन्हें फॉलो करने से घेवर बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होता है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी बर्तन जो यूज़ करना है वो थोड़ा डीप होना चाहिए और वो जितना भी डीप होगा उतने ही अच्छे हमारे घेवर बन के रेडी होंगे और आपके लिए ईजी भी रहेगा। अभी आप जितना डीप बर्तन ले रहे हैं उसकी हाफ तक आपको घी या ऑयल, आप जिसमें भी घेवर बनाना पसंद करते हैं, पर देसी घी के बहुत ही अच्छे घेवर बनके रेडी होते हैं। और आपका घी अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए तभी हम घेवर का बैटर डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारा घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है तो ये कैसे अच्छे से जालीदार बनना स्टार्ट हो गया है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं ऊपर से ऐसे बैटर डाल रही हूँ इस टाइप की बॉटल से, कॉर्नर में जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है, चिल्ड है। आपको फ्लेम हाई रखनी है जब तक आप घेवर बनाते हैं। फ्लेम आपको फ्रेंड्स कम नहीं करनी है, हाई फ्लेम पे ही घेवर बन के रेडी होता है। आपको ऐसे धीरे धीरे बैटर डालना है, कम से कम हम 20-25 टाइम्स बैटर ऐसे डालते हैं तभी जाके एक थिक मोटा कंसिस्टेंसी का अच्छा घेवर बन के रेडी होता है। ये देखिए जो सेंटर में होल है फ्रेंड्स, मैं उसी के अंदर बैटर बार बार डाल रही हूँ। आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए तभी आपका घेवर अच्छा सा बन के रेडी होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका होल नहीं बन रहा है तो एक बार ऐसे सेंटर में आप कोई भी स्पून से या कैसे भी करके आप ऐसे बना दीजिए। देखिए होल अच्छे से बन गया है, हमारा ये घेवर सिक भी गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको नाइफ से स्क्रेप कर देती हूँ कॉर्नर से, जिससे इसको निकालने में भी इजी रहेगा और ये थोड़ा सा नीचे डिप हो जाएगा तो ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाएगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा घेवर बनके रेडी हुआ है। थोड़ा ध्यान से केयरफुली घेवर को निकालना है फ्रेंड्स और थोड़ी देर इसको ऐसे पकड़ के रखिए जिससे इसमें अंदर जितना एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाएगा। या फिर इस टाइप की कोई भी आपके पास जाली हो तो थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर रख दीजिए जिससे सारा उसका एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा। इतना अच्छा हमारा जालीदार घेवर बन के रेडी हुआ है। एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स आपको ऊपर से ऐसे बैटर डालना है और बीच में आप होल बनाना ना भूलें। इसे अब कॉर्नर से हम इसको स्क्रेप कर देते हैं जिससे ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएगा। यह सिक कर रेडी हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी हमारा घेवर बन के रेडी हुए हैं। आइए घेवर को रेडी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जो हमने चाशनी बना के रेडी की थी वो डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। और आप ये तभी कीजिए स्टेप जब आप बिल्कुल घेवर सर्व करने वाले हैं, अदरवाइज़ वो थोड़े सॉगी हो जाते हैं तो वो बिल्कुल खाने में अच्छे नहीं लगते हैं।
अब इसके ऊपर रबड़ी लगा देते हैं। आप घेवर को सारों को सेक के, जितने भी आप घेवर बना रहे हैं उन सबको आप सेक के किसी एयर टाइट कंटेनर में या पॉलीथिन में रख दीजिए, और उसके बाद जब भी आपको खाने का मन है तब आप उसके ऊपर चाशनी डाल के, रबड़ी डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको रेडी कीजिए सर्व करने के लिए। ये देखिए मैंने अच्छे से चारों तरफ रबड़ी लगा दी है। रबड़ी भी हमारी ज़्यादा मीठी नहीं है। अभी मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत ही क्रिस्पी जालीदार हमारे घेवर बनके रेडी हुए हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे फ्रेंड्स तो आपके घेवर बहुत ही अच्छे बनकर रेडी होंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रक्षाबंधन और तीज आ रहा है, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट न्यू रेसिपी नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सी यू सून।